हिमाचल में हर गांव को सड़क से जोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन सिरमौर का गांव सुच्चावाला में 16 वर्ष पहले सड़क निर्माण की घोषणा और धन राशि का प्रावधान होने के बाद भी पिछले 16 वर्षों से सड़क नहीं बनी है। गांववासी पिछले 16 वर्ष से सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन 2000 की आबादी वाले इस गांव में आज तक न जाने क्यों सड़क नहीं पहुंच पाई है। युवाओं ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सड़क न होने की वजह से बीमार, बूढ़े और बच्चों को अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए वह गांव में सड़क की मांग कर रहे हैं। उन्हें बताया कि 16 वर्ष पहले गांव की सड़क के लिए 40 लाख रुपए आ चुका था, काम शुरू भी हो गया था, लेकिन अचानक काम बंद कर दिया गया और जो आज तक आरम्भ नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि वह अपनी जमीन भी सरकार के नाम कर चुके हैं। वह गांव के प्रधान, जिला प्रशासन, विधायक, प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई, इसीलिए वह अब उन्हें जगाने के लिए एक पैदल यात्रा कर रहे हैं और करीबन दिन रात एक कर 70 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं। पांव में छाले पड़ रहे हैं, चलना दुर्भर हो चुका है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ है और उनकी यात्रा अब कल शिमला में जाकर खत्म होगी और वो वहां पर तब तक डटे रहेंगे जब तक कि उनकी मांग मान नहीं ली जाती है। हमारा जो गांव है वो बगैर सड़क के है। पिछले 15 सालों से ये गांव बगैर सड़क के है, तो हम लोगों ने ये यात्रा इसीलिए निकाली कि हम पद ऊपर मुख्यमंत्री जी तक अपनी जो रोड की समस्या है वो पहुँचाए। हम लोग चाहते हैं कि जो ये 2002 में जो इसका शिलान्यास किया गया था, उसके बाद इस सड़क के बारे में सरकार ने कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाला, तो इसके बावजूद भी हम लोग काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई पेशेंट होता है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उस पेशेंट को लाने के लिए हम लोगों को गाँव के सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है और फिर उनको चार पाई पे लेके मेन रोड पहुंचाना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि सबसे बड़ी मांग ये हमारी कि सरकार हमारी इस मांग को पूरा करें कि हम जो नौराधार से चापधार तक का जो संपर्क मार्ग है 8 किलोमीटर का, वो पूरा किया जाए। चूड़धार के जंगल में एक श्रुति नाम की लड़की भी गायब हुई, अगर वहाँ तक कुछ आधे तक सड़क होती तो शायद क्या पता लड़की मिल जाती, तो सर ऐसी घटनाएं भी होती हैं। और बाकी हमारे जैसे बच्चे हो गए सर, तो सुबह जैसे 6-7 बजे स्कूल चलना पड़ता, फिर सर 9-10 बजे तक फिर पहुंचते हैं, और शाम को जब छुट्टी होती है तो 4 बजे बच्चे स्कूल से चलते हैं और 8 बजे पहुंचते हैं, फिर कब बच्चों ने पढ़ना और कब, यानी कि हर चीज़ों का सामना करना पड़ा है सर। जैसे पानी, बिजली, हमारे गाँव में कोई भी 1 रुपये तक का विकास नहीं है।